नवरात्रि का जो भजनों का जो कार्यक्रम हम नियमित तौर पे करते हैं वो कल होने वाला है। आप देख रहे हैं कि सारी बहनें एक दिन पहले आके किस तरह से कार्यक्रम को की तैयारियां करती हैं, किस तरह से लोग बिछाते हैं, किस तरह से सारे लोग मिलजुल के एक टीम वर्क की तरह है कल के कार्यक्रम को संपन्न करती हैं। ये आप देखिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ जयलाल वर्मा, जैसे कि मैं अक्सर पढ़ने के पीछे इस चैनल के लिए काम करता हूँ। ये सारी बहनें नियमित रूप से आपको भजन सुनाती हैं। अभी हमारे करीब नम्रता जोशी जी हैं, वो अक्सर आपको देखते हैं चैनल के माध्यम से, अपनी रचनाओं को आप तक पहुंचाते हैं, अपने गीत अपने नृत्य को आप तक पहुंचाते हैं। तो नम्रता जोशी जी, अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कल की तैयारी कैसे हो रही है आपकी, क्या क्या कर रहे हो आप? तो सबसे पहले तो हमने तैयारी करी है कि किस तरीके से हम माता की मूर्ति को यहाँ पर रखेंगे, सजाएंगे, फिर फूलों की व्यवस्था करी है, दरी लाए हैं और बहुत सारी हम अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक हम बहुत अच्छा दर्शकों को दिखाने वाले हैं नवरात्रि का एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, कि वो उनको मतलब एक जीवन भर एक यादगार पल तो मतलब अभी आप नहीं बताओगे, अभी नहीं कल बताओगे, ब्रेक के बाद बताएंगे, कल बताएंगे। जी हाँ, जैसे कि नम्रता जोशी जी कह रही हैं कि कल एक अलग सा कार्यक्रम चैनल में होने वाला है, एक नहीं कई कार्यक्रम होने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ, हम आपको दिखाने जाएंगे इसमें पूरी कल के लिए तैयारी क्या क्या हो रही है। भजन तो आप रोज सुनते हैं और आप भी बहुत कार्यक्रम करते हैं आज, और आप ये कब से, आज कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि आपके चैनल में कुछ अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये दिमाग किसका, कैसे पैदा हुआ आपके? ये हमारी टीम का ही एक विचार था कि प्रकृति में भी परिवर्तन बहुत जरूरी होता है, जो लोगों को अच्छा लगता है, और परिवर्तन हमें समय के साथ साथ करना चाहिए, तो हमने शुरुआत करी है और हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है, तो हमने फिर एक इसमें कल एक परिवर्तन रखा हुआ है, तो आप लोग उसे कल देखिएगा। बार बार एक चीज़ को कह रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी हमें देख रहे हैं समझ ये सकते हैं कि उसमें कुछ हटके कार्यक्रम जरूर होगा। आप माता जी हैं हमारे, कल के कार्यक्रम में आप भी रहेंगी और सारे टीम की, आप टीम की ममता भंडारी जी हैं, तरुणा बसेरा जी हैं, स्वयं आपके सामने अभी नम्रता जोशी जी हैं, और मैं अभी आपको कैमरा हाथ से पकड़े हुए हैं हेमा बजेठा जी, वो उन्हें उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि उनके हाथ में कैमरा है। ये कार्यक्रम तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जैसे मुझे पता है, मुझे मालूम नहीं, मैं भी अक्सर पर्दे के पीछे रहता हूँ, जैसे कि नम्रता जोशी जी ने कहा कि कार्यक्रम हटके होने वाला है, पता नहीं कैसे हटके होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहेगा। देखा जाए काफ़ी कार्यक्रम करेंगे आप जी, हाँ। कितने कार्यक्रम कर रहे हो, क्या क्या आप नज़दीक आइए, 10 से 12 भजन आपको नए नए मिलेंगे, दृश्यों के साथ मिलेंगे। अच्छा अच्छा, तो मतलब आपने कहा कि लोगों को और हटके दिखाएं, हाँ। लोग कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरह से, हाँ। देखेंगे, हैं? तो ममता भंडारी जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कुछ ढोलकी ढोलकी में चेंज कर रही हो कि नहीं कर रही? लोग तो आपके फॉलोअर्स सब बोलते हैं यार दीदी कुछ हटके हमें बताइए, हमें सिखाइए, तो आप क्या करने वाले हैं? बताऊंगी, सिखाऊंगी। आने वाले दिनों में जो मुझे देख रहे होंगे, मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में ममता भंडारी जी जैसे कि ढोलक बजाती हैं, बहुत बढ़िया बजाती हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप में से कई लोगों ने कहा, हो सकता है जो मुझे सुन रहे होंगे उनको ये बात अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आप ही ने तो कहा है कि ये बहुत अच्छा ढोलक बजाते हैं। तो ममता भंडारी जी आने वाले दिनों में आपको अपने भजन के बीच में जो ढोलक की ताल कैसे बजाते हैं वो सिखाने जा रहे हैं। अच्छा, मैया रानी का प्रोग्राम हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, अब नवरात्रा करीब आने वाली है, हर दिन हमारे चैनल के साथ आप बने रहते हैं, तो यहाँ तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एक बात मैं और बताता हूँ, जैसे कि नम्रता जोशी जी ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना ही है ना, आप भी हमारे भजनों को नित्य देखते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होगा आप भी बोर हो जाएंगे, तो आपका जैसा मानना है कि हम कुछ हटके करेंगे, तो अब ये आप हटके इसी में करने वाले हैं, रोज करने वाले हैं, उसके लिए आपको कल की वीडियो के लिए नहीं नहीं आगे आगे भी करते रहेंगे, आगे आगे हमारा कोशिश यही रहेगी, मतलब ये जो शिवरात्रि रहेगी, शिवरात्रि, होली, आपको नए साल, शादी के गाने, उसमें आप हटके प्रोग्राम देखेंगे। अब मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ उन्होंने बता दिया, और वो एक सस्पेंस रखा है बीच में कि कल क्या होने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो के साथ शुरू से लेकर इस वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम दिखाएंगे क्या क्या करने वाले हैं कल के लिए कार्यक्रम, क्या क्या होने वाले हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हमारा सौभाग्य है, और हम आपसे ये विनती करेंगे कि लंबे समय तक आप इसी तरह से हमारी वीडियो देखते रहेगा, आप प्रतिक्रियाएं दीजिएगा ताकि हम अपने कार्यक्रम को आपकी इच्छा के अनुसार बढ़िया बना सकें। तो जैसे कि बात मैंने कह रहा, मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि आप हैं हेमा बजेठा जी,
कैमरा आपके हाथ में था, बहुत बढ़िया तरह से आपने शूट किया, तो काम भी आप बहुत अच्छा करती हैं। ये जो अभी आप फूल सजा रही थी वो सजा रही थी, कैसा लगता है माता रानी के लिए कार्यक्रम करते हुए आपको? बहुत अच्छा, पूरा मन हमारा प्रफुल्लित हो जाता है अगर हम ये कार्यक्रम में अपनी तैयारी अपनी सहभागिता देते हैं तो मन से हमारा बिल्कुल लगता है कि हाँ हम कर रहे हैं कुछ है, ये मनुष्य योनि पर हमारा जन्म जो हुआ है बहुत अच्छी, मतलब लगता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, आपने तो ऐसी बातों से हमारा दिल मोह लिया। जीवन मित्रों, जीवन जी जी हैं, ये जो जीवन है बार बार नहीं मिलता है, और जीवन का सही तरीके से सदुपयोग किया जाए, और सदुपयोग अगर इस तरीके से किया जाए और वो सामने नवरात्र हों, माता रानी के भजन करीब आ रहे हों, और ऐसे ऐसे बढ़िया तरीके से लोग पहले से तैयारियां कर रहे हों और एक उत्साह इनके अंदर हो, कुछ कह नहीं सकता, फिर मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे इसके लिए। तो देखिएगा इस तरह से ये प्राकृतिक सुंदरता है। इस वक्त हम हल्द्वानी में हैं, तरुणा बसेरा सामंत जी का निवास स्थान है, आप उनकी माता श्री हैं। सौभाग्य माता जी नमस्कार, हमारा आपको लाखों लोगों का करोड़ों लोगों की तरफ से हम आपको नमन करते हैं कि तरुणा बसेरा सामंत जैसी बिटिया आपने को जन्म दिया। तो मैं ही प्रभु से कहूँगा कि आप सदा सुख खुशी रहें और भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आप हैं तरुणा बसेरा, आज की पूरी तैयारी में मम्मी का बहुत बहुत सहयोग है मेरी मम्मी का। देखो बेटी ने जब ये कह दिया तो हम क्या कह पाएंगे, हम तो खाली वही कहेंगे जो ही बताएंगे। तो बहुत अच्छी बात कही, और आपकी मम्मी ने बहुत अच्छा किया, वहाँ से आई स्पेशली इन भजनों के लिए आई होंगी आपकी मम्मी, और आपने उनको रोका भी होगा, जाने वाले होंगे तो आप भजनों के लिए खुद ही रुकी है कि मैं ये कार्यक्रम देख के जाऊंगी और करके जाऊंगी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये हमारी पूरी टीम है, टीम वर्क है, ये लोग यहाँ आके तैयारियाँ कर रही हैं। जैसे कि अब मैं अपनी कैमरा को दूसरी तरफ ले जाऊँगा, देखिए तैयारियाँ हो रही हैं, दरियाँ बिछ गई हैं, देखिए ये आप देख सकते हैं, ये एक पॉट में देखो मनी प्लांट वगैरह लगा दिया है, मैया रानी का आसन बिछ गया है, ये सारी सजावट हुई है, फूल हैं, फूल बिछे हैं, नीचे कालीन बिछ गई है, और दूर आप देखेंगे कि प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर ये हल्द्वानी का ये इलाका फतेहपुर के पास का है, चार धाम के बगल में हम खड़े हैं। और यही कह सकते हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, देश के किसी भी कोने से देख रहे होंगे, माता रानी आपके घर परिवार आपके सभी लोगों को सुख शांति दे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और एक लंबे समय तक जीवन की जो हमारी हमारा जो जीवन है जो ईश्वर ने हमें जीवन दिया है इसका सदुपयोग करते हुए समस्त प्राणी मात्र के लिए अपना जीवन की सार्थकता उनके लिए ऐसे कार्य करें कि जाने के बाद दुनिया याद करें। मैं फतेहपुर के पास में हूँ, जैसे आपको बताया, मेरे ठीक सामने चारधाम मंदिर, चारधाम मंदिर गढ़वाल में भी हैं, चारधाम मंदिर फतेहपुर में भी हैं। ये मंदिर के ऊंचे सतह में आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ से, कभी ऐसा सौभाग्य होगा तो पास में जाके भी हम भजन करेंगे। तो यही है ये यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, और यही है देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता, और यही है हमारा सौभाग्य कि आप हमसे जुड़े हैं, और प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि लंबे समय तक आपका हमारे साथ यूं ही साथ बने रहे। इस समय के लिए इतना ही, आपको धन्यवाद देता हूं वीडियो में बने रहने के लिए, और धन्यवाद देता हूं इन सभी लोगों को जो इतनी कई समय से यहां पे लगी हैं आपके लिए कार्यक्रम पेश करते हैं। और मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं कि जैसा कि आप इस वक्त वीडियो के सामने ये देख रहे हैं, ये तो रिकॉर्डिंग है, मैं हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। जैसे कि हमारी नम्रता जोशी जी ने कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हम आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत अच्छा लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।